हेलो स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस विच इज़ रिटन बाई थॉमस अल्वा एडिसन। लेट्स सी द टेक्स्ट। अ ईयर और टू लेटर एडिसन डिसाइड टू प्रोड्यूस इज ओन न्यूज़पेपर। तो एक या दो वर्षों बाद एडिसन खुद डिसाइड करते हैं कि वो अपना ही न्यूज़पेपर प्रोड्यूस करेंगे। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वेगन। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए एक ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस खरीदा और उसके रेलवे कुछ में लगा लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर। वो खुद ही अपना जो पेपर है वो एडिट भी करते थे और प्रिंट भी करते थे। एंड सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी। उन्होंने कोई हेल्पर नहीं रखा हुआ था, इसलिए वो जो कॉपीज वो निकालते थे वो खुद ही उसको बेचते थे और इससे उन्हें और पैसे आ गए, उनके पास और पैसे बन गए। विद द मनी ही गॉट, उस मनी से उन्होंने क्या किया, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वेगन। उन्होंने एक छोटी सी लेबोरेटरी जो है अपने रेलवे वेगन में लगाई। व्हेन ही वॉज 15 ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। जब वो 15 साल के हुए दैट अफेक्टेड हिज कैरियर। तो उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया जो कि उनके कैरियर को बहुत प्रभावित किया। व्हाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी द ट्रेन टर्न्ड अराउंड अ कॉर्नर। एक हादसा हो गया जब जो ट्रेन होती है जब कॉर्नर पे मुड़ने वाली होती है और उसी समय वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। देर वॉज अ सडन जॉल्ट एंड अ बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज एंड इट कॉट फायर। तो क्या होता है कि एक फॉस्फोरस का टुकड़ा है वो जो उस गाड़ी में ज़मीन पर गिर गया एंड इट कॉट फायर, और एक थोड़ी आग लग जाती है वहाँ पे। बिफोर ही कुड पुट आउट द न्यूज़पेपर हेड कॉट फायर। और इससे पहले कि वो उसे बुझा पाते जो फायर है वो न्यूज़पेपर में लग गई। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प। तो एडिसन ने वो हेल्प के लिए कि वो फायर को बुझा सके, उस आग को बुझा सके, उन्होंने हेल्प के लिए बुलाया। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर। तो गार्ड है वो आया आवाज़ सुनकर और दोनों मिलकर क्या किए, उस आग को बुझाएं। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस। लेकिन ये उनके सर्विस का ये अंतिम दिन था ऑन द ट्रेन, उस ट्रेन पर। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। और अगले स्टेशन क्या हुआ, उन्हें उस जॉब से डिसमिस कर दिया गया। द नेक्स्ट 5 ईयर्स एडिसन टुक अप जॉब इन डिफरेंट सिटीज़। अब अगले 5 सालों में एडिसन ने डिफरेंट सिटीज़ में जॉब किए। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेड एक्सपोर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी का अच्छा यूज़ किया और जो वर्कशॉप और फैक्ट्री के एक्सपर्ट होते थे वो उनसे मिलते थे। ही आस्क देम क्वेश्चंस, वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं। लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स। और उस जो उसे सीखते थे उससे बहुत कुछ वो सीखते थे एंड और अपने एक्सपेरिमेंट में वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम। इस दौरान वो अपनी जॉब से कुछ समय के लिए जब अलग हुए थे एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, तो वहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ रह रहे थे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी। ये व्यक्ति जो थे एक कंपनी में काम करते थे। इन द कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, और उस कंपनी में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मशीन था। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली। अचानक एक दिन क्या हुआ, वो जो मशीन है वो रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम। एडिसन उस समय वहाँ मौजूद थे। ही हैड अ लुक एट द मशीन, उन्होंने मशीन देखा एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और बहुत ही कम समय में उसको रिपेयर भी कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन। तो मैनेजर जो उस कंपनी के थे वो उनको बहुत चीज़ें ये पसंद आई, गेव हिम अ गुड जॉब, और उन्होंने तुरंत ही उन्हें एक जॉब ऑफर कर दिया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी। तो एडिसन ने उससे, चूँकि उनके पास कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था, तो जो पैसा मिला उन्होंने अपने सारे कर्ज चुकाए और अपनी लेबोरेटरी को और इम्प्रूव किया। द नेक्स्ट 6 ईयर्स एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन। अगले 6 साल में एडिसन ने बिल्कुल इन्वेंशन की
बिल्कुल सीरीज लगा दी, वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी। और इसके बाद उन्होंने मतलब कि इतना ज़्यादा इन्वेंशन हुआ कि उन्हें फेम, नेम और मनी सब मिला। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस। 1877 में वो काम कर रहे थे ऐसी मशीन के बारे में जो कि ह्यूमन आवाज़ को रिप्रोड्यूस करें। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, और अगले साल ऐसी एक मशीन बनी। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय उसे टॉकिंग मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब हम इसे एक ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस, और उसी साल वो इन्वाइट किए गए थे वाइट हाउस में, वॉशिंगटन में। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स। ये वो घर है, ये उस घर का नाम है जहाँ पर प्रेसिडेंट रहते, कहाँ की, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एडिसन वेंट देयर टू शो द हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन वहाँ भी ले गए थे अपनी न्यू मशीन को प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इस चीज़ ने उन्हें पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, ही वुड ऑल दिस, इन्होंने सारी चीज़ें किससे ली, टू हिज मदर्स हेल्प, ये चीज़ें वो कैसे कर पाए, अपनी माँ की हेल्प से एंड इनकरेजमेंट, उनके जो उन्होंने इनकरेज करती थी उससे, एंड टू हिज ओन हार्डवर्क, और अपनी कठिन मेहनत से। इन मार्च 1878 ही बिगैन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। इन मार्च 1878 में उन्होंने इलेक्ट्रिक लैम्प पर काम करना शुरू किया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प इन दोज डेज, उन दिनों क्या होता था कि लोग कैंडल्स यूज़ करते थे, ऑयल लैम्प यूज़ करते थे। जैसा कि आज भी अगर कभी पुरानी मूवीज़ देखा जाए तो वो दिखता है, दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, क्योंकि उस समय क्या होता था, इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं हुआ करती थी। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन टू ईयर्स, तो एडिसन ने प्रॉमिस किया था लोगों से कि वो दो वर्षों में इलेक्ट्रिक लाइट उन्हें दे देंगे। When he said this, जब उन्होंने ऐसा कहा था, all the scientists laughed at him, तो सारे scientists क्या किए थे, उन पर हंसते थे। They said that it was impossible, उन्होंने कहा था कि ये possible नहीं है। But Edison was not worried at all, लेकिन Edison इन सब चीज़ों से worried नहीं हुए बिल्कुल। He worked harder and harder, और वो कठिन मेहनत करने लगे। He performed 1000 experiments, but all of them failed, उन्हें कम से कम 1000 experiments किए होंगे लेकिन सारे असफल हुए। बट ई डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने होप को नहीं छोड़ा। आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपुल, ही सेड टू हिमसेल्फ एंड वर्क हार्डर स्टे, उन्होंने कहा कि वो ये कह के कि मैंने लोगों से जो प्रोमिस किया उसे पूरा करूँगा, करना चाहिए, तो ऐसा सोच के वो खुद सोचते थे और फिर और मेहनत करने लगते थे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो समय के बिल्कुल विपरीत चल रहे थे, मतलब समय उनके अगेंस्ट था क्योंकि वो जो भी करते थे वो क्लियर नहीं हो पाता था। एट लास्ट, अंत में ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, और अंत में उन्हें एक सक्सेस मिला आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 में ही एंड हिज वर्कर्स, वो और उनके जो वर्कर हैं उनके साथ काम करने वाले हैं, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स एट हिज लेबोरेटरी, अपने लेबोरेटरी में एक इलेक्ट्रिक लाइट लगाई। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी, जो लोग थे अमेरिका के हर जगह से, दैट ग्रैंड साइट, उस जगह को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल, एडिसन ने जो प्रॉमिस किया था लोगों से ये करने के लिए। ऑन 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स, तो 4 सितंबर 1882 में न्यूयॉर्क में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइट लगाई गई, जली, ब्राइट किया। एडिसन सर्वड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग भी अपने देश की सेवा की। ही मेड 40, उन्होंने 40 वार टाइम में 40 इन्वेंशंस एंड वॉज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, उन्होंने 40 इन्वेंशंस किए और इसके लिए उनके इस सर्विस के लिए उन्हें अवार्ड भी दिया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर, 1929 में सिल्वर जुबली,
उस इलेक्ट्रिक लैंप की जो बल्ब बनाई गई थी उसकी सिल्वर जुबली मनाई गई बहुत अच्छे लेवल पे. द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन. तो इसके लिए उन्होंने जो प्रेसिडेंट थे रखा उन्होंने एक बिग फंक्शन उनको ऑनर देने के लिए. और एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल. और जब जैसे ही वो फंक्शन में उठे अपना धन्यवाद देने के लिए तो अचानक बीमार पड़ गए. हिज इलनेस बिकेम वर्स एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931. और दिन पे दिन उनकी जो बीमारी थी वो बढ़ती चली गई और संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931 को वो एक्सपायर हो गए. Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness. तो ये जो इस प्रकार ये ended and great eventful life of a man, ये व्यक्ति ऐसे थे जो जिन्होंने human life और उनके happiness के लिए बहुत काम किए, अंत तक अपनी सेवा देते रहे. He said once, इन्होंने एक बार कहा था, I shall never invent anything. मैं ऐसी कोई चीज़ इन्वेंट नहीं करूँगा विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो कि व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर दे. आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं चाहता हूँ लोग खुश रहें, मैं खुशी देना चाहता हूँ. ही आल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा था, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, आई वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट. ये जो संसार है काफ़ी समय तक अंधेरे में रहा और मैं देना चाहता हूँ क्या, मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट. He kept his word. उन्होंने अपने इन शब्दों को, अपने इस प्रॉमिस को बनाए रखा. His gramophone has brought us more laughter. उनकी जो ग्रामोफोन है उसने हमें क्या दिया, laughter. And his electric lamp. और जो electric lamp है has given us more light. Today our country and the world needs more men like Edison. आज हमारे देश को किस कैसे लोगों की ज़रूरत है जैसे कि एडिसन थे. एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल. तो प्रत्येक लड़की या लड़कियों को उनके इस जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वो साइंटिस्ट तो ऐसी चीज़ें ही बना सकते थे जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह लोगों के लिए हो सकती, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया. जो उनका एक प्रिंसिपल था, एक सिद्धांत थे, वो उस पर अपना रहते थे और उसी को फॉलो करते थे. तो लोगों को ऐसे एग्जाम्पल रखने चाहिए ध्यान में और उन्हें फॉलो करना चाहिए. ओके, थैंक यू.